हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एंड टेक ट्यूब्स पर। दोस्तों, अगर आप विंडोज़ 10 यूज़ कर रहे हैं तो आपने हाई डाटा कंजप्शन का प्रॉब्लम कभी ना कभी तो फेस किया ही होगा। हम इससे ज़्यादातर यूज़र मोबाइल का डाटा अपने कंप्यूटर पर यूज़ करते हैं और ऐसे में 2 GB मोबाइल डाटा आधे घंटे में ख़त्म हो जाए तो प्रॉब्लम तो होता ही है। चलिए दोस्तों, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और चलते हैं हमने कंट्रोल पैनल में। हम आ चुके हैं हमने कंट्रोल पैनल में। यहाँ पे कैटेगरी का ऑप्शन है, उसमें हम क्लिक करके इसे लार्ज आइकन में सेट कर लेंगे। यहाँ पे राइट साइड में एडमिनिस्ट्रेटर टूल का ऑप्शन है, हम इस पर डबल क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ नीचे हम देखेंगे, नीचे एक ऑप्शन है सर्विसेज का, हम इस पर डबल क्लिक करेंगे। ये हमारा सर्विसेज जो है ओपन हो चुका है। हम नीचे आएंगे, सबसे नीचे नीचे आएंगे, यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन है विंडोज अपडेट का, हम इस पर डबल क्लिक करेंगे तो इसका प्रॉपर्टी जो है ओपन हो जाएगा। तो हम इस पर करते हैं डबल क्लिक, ये इसका प्रॉपर्टी जो है ओपन हो चुका है। यहाँ पे देखेंगे स्टार्टअप टाइप में, ये अभी ऑटोमेटिक में, हम इसे कर देंगे डिसेबल। नीचे देखेंगे सर्विसेज स्टेटस में, यहाँ रनिंग में है तो हम इसे कर देंगे स्टॉप। इसके बाद हम करेंगे अप्लाई और ओके। ये हमारा फर्स्ट नंबर का जो ट्रिक्स है वो पूरा हो चुका है। अब हम चलते हैं अपने दूसरे ट्रिक्स की ओर। इसके लिए हम अपने कंप्यूटर में पहले नेट कनेक्ट कर लेंगे और वाईफाई के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमने जिस भी डिवाइस से कनेक्ट किया है उस पर क्लिक करेंगे और उसका प्रॉपर्टीज जो ओपन कर लेंगे। इसका प्रॉपर्टीज जो है ओपन हो चुका है। यहाँ पे लेफ्ट साइड में देखेंगे हम एक ऑप्शन है स्टेटस मैट्रिक्स कनेक्शन का, ये अभी ऑफ है तो हम इसे कर लेंगे ऑन। इसे होगा ये कि विंडोज जो है हमारा एक्स्ट्रा डाटा यूज़ करना बंद कर देगा। इसके लिए एक लाइक तो बनता है दोस्तों, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कीजिए दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए इसी तरह के लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो दोस्तों, ये तो हो गया हमारा ट्रिक्स नंबर 2। अब चलते हैं हमने तीसरे ट्रिक्स की ओर। उससे पहले हम इसे क्लोज कर देते हैं। हम आएंगे नीचे अपने टास्क बार में, टास्क बार में आने के बाद हम राइट क्लिक करेंगे। यहाँ पे एक ऑप्शन है टास्क मैनेजर का, हम इसे ओपन कर लेंगे। ये हमारा टास्क मैनेजर जो है ओपन हो चुका है। यहाँ पे नीचे देखिए ये बाय डिफॉल्ट जो है मोर डिटेल्स पे सेट रहता है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो टास्क मैनेजर है वो ओपन हो जाएगा कुछ इस तरह से। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे स्टार्टअप में। स्टार्टअप में क्लिक करने के बाद हम नीचे आएंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव का, हम इसे पे क्लिक करके इसे डिसेबल कर देंगे। ये अभी इनेबल है, हम इसे डिसेबल कर देंगे। ये क्या करता है कि हम जब भी नेट कनेक्ट करते हैं तो बैकअप फाइल बनाना स्टार्ट कर देता है, जिससे हमारा डाटा जो है बहुत ज़्यादा यूज होने लगता है। तो हम इसे कर देंगे डिसेबल और क्लोज। तो ये तो हो गया हमारा ट्रिक्स नंबर 3। अब इस ट्रिक्स को यूज़ कीजिए, उसके बाद देखिए आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।